मस्कमेलन चीज केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट, 100 ग्राम न्यूट्रीलाइट बटर जिसको हमने पहले से ही मेल्ट कर लिया है। हम इस बटर से केक का बेस बनाएंगे क्योंकि इसमें नमक बहुत कम होता है और जो दूसरा वाला बटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। अगर हम उससे बेस बनाएंगे तो जो हमारा बेस बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। सारे बिस्किट को तोड़कर हम जार में डाल देंगे और इसका बहुत ही बारीक पाउडर बना लेंगे। हमने सारे बिस्किट को बहुत अच्छे से पीस लिया है और बहुत अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे, एकदम सारा बटर नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। थोड़ा सा बटर और डालेंगे। हमने 100 ग्राम की टिक्की में लगभग आधी टिक्की यूज़ करी है, उतने में ही हमारा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। हमने सारा बटर बहुत अच्छे से बिस्किट में मिक्स कर लिया है। चीज़ केक बनाने के लिए हमें एक ऐसा फोल्डिंग मोल्ड चाहिए होता है जिसका बेस उसके मोल्ड से अलग हो जाए। सबसे पहले हम मोल्ड में बेस रखेंगे और बेस के ऊपर हम पार्चमेंट पेपर लगा देंगे जिसे हम बटर पेपर भी बोलते हैं। हमने साइडों में भी पूरा अच्छे से बटर पेपर लगा दिया है। अब हम बिस्किट का बेस बना लेते हैं। सारे बिस्किट के बेस को हम मोल्ड में डाल देंगे और चम्मच से पहले एक लेवल करके पूरा फैला देंगे। हमें जो नीचे का बेस बनाना है वो बहुत मोटा नहीं बनाना, बिल्कुल पतला बनाना है। हम स्पैचुला से सारे किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे जिससे कि किनारे भी अच्छे से फिनिशिंग में आ जाए। हमने यहाँ पे एक फ्लैट कटोरी ले ली है, अब इससे हम पूरा अच्छे से दबा देंगे बेस को और बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। दबाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है, सारा बेस हमारा एक लेवल में बन गया है। बेस को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी चीज़ क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। चीज़ केक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है चीज़ क्रीम, और चीज़ क्रीम हमें नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती, तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर पर ही चीज़ क्रीम बना लें। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध को अच्छे से फाड़ लिया है और उसमें पनीर बना लिया है हमने, अब इससे हम चीज़ क्रीम बनाएंगे। दूसरी तरफ हम व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। हमने एक पैन में पानी रख दिया है और उसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन रख दिया है और उसके ऊपर हमने व्हाइट चॉकलेट रख दिया है। पानी गर्म होगा तो चॉकलेट अपने आप ही धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। पनीर का हमने सारा पानी निकाल दिया है, अब हम पनीर को जार में डाल लेंगे। पनीर का कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसमें हम 2 चुटकी नमक डालेंगे, 2 चम्मच पाउडर शुगर और दोबारा से ग्राइंडर में हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी चीज़ क्रीम भी बनकर तैयार हो गई है और व्हाइट चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। यहाँ पर हमने 2 कप व्हिप क्रीम ली है, अब व्हिप क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। व्हिप क्रीम को हमने 10-15 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है, अब हम उल्टा करके देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे से बीट हो गई है। अब इसमें हम चीज़ क्रीम मिला देंगे। व्हिप क्रीम को हमने 1 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल लिया था और उसके बाद व्हिप क्रीम हमारी रूम टेम्परेचर में आ गई थी और 10-15 मिनट में ही हमारी व्हिप क्रीम बीट होकर तैयार हो गई। अब हम व्हिप क्रीम के अंदर चीज़ क्रीम डालेंगे। अब हम 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल देंगे। स्पैचुला से ऊपर नीचे कर हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चॉकलेट भी डाल देंगे। चॉकलेट को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, बिल्कुल चॉकलेट हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अगर हम गर्म चॉकलेट व्हिप क्रीम में डालेंगे तो व्हिप क्रीम जितनी भी फूली है वो सारी नीचे बैठ जाएगी। मिक्स कर लेंगे। अब हम मीटर से सब चीज़ों को एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बेस हमारा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसमें हम व्हिप क्रीम डालेंगे। बेस पर हमने सारी व्हिप क्रीम डाल दी है, अब हम व्हिप क्रीम को एक लेवल में कर देंगे। हमने सारी क्रीम को एक लेवल में कर लिया है, हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम ऊपर से एक लेयर और डालेंगे। अब हम इसको फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, 1-2 बार टैप कर लेंगे। अब हम ऊपर के लेयर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 1 किलो मस्कमेलन, हमने खरबूजे के सारे बीज निकाल दिए हैं, अब इसके हम पीसेस कर लेंगे, छिलका उतार लेंगे।
यहाँ पर हम कुछ पीस ऐसे गोल गोल काट लेंगे और इस गोल गोल पीसेस से हम डेकोरेट करेंगे। सारे मस्कमेलन के हम छोटे छोटे पीसेस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। मस्कमेलन का हमने पेस्ट बना लिया है, उसको हमने एक पैन में शिफ्ट कर दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। मस्कमेलन हल्का हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। एक कप चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। मस्कमेलन को हमने अच्छे से पका लिया है, कलर भी चेंज हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध लिया है, दूध में हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से घोल लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लोर वाला दूध इस पेस्ट में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मस्कमेलन की जेली बनकर तैयार है और अच्छे से ठंडी भी हो गई है। केक भी हमारा सेट हो गया है। हमने एक पतली सी लेयर पूरी केक पे बिछा दी है और कितनी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम केक को फ्रीजर में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम केक को मोल्ड से डीमोल्ड कर लेते हैं और हमने मोल्ड यहाँ निकाल दिया है। अब हम बटर पेपर निकाल देंगे। देखिए हमारा कितना सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है और कितना अच्छे से सेट भी हो गया है। तीनों लेयर अलग अलग नज़र आ रही हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। हमने मस्कमेलन के जो गोल गोल पीसेस किए थे वो लगाएंगे। हमने छन्नी में थोड़ी सी पाउडर शुगर ली है, अब हम थोड़ी सी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे।